साईराम, मैं मोनिका साईं पूजा चैनल से आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सबके समक्ष बाबा के दीप की महिमा लेकर आई हूं। उससे पहले एक छोटा सा भजन। दीपावली मनाई सुहानी, मेरे साईं के हाथों में जादू का पानी, मेरे साईं के हाथों में जादू का पानी। अब मैं बाबा के दीप की महिमा की शुरुआत करती हूँ। आप सब बड़े ध्यान से सुनना। कितना भी आत्मीय या प्रेमी क्यों ना हो व्यक्ति, सुख संपत्ति में दूसरों का भागीदार बनना चाहता है, परंतु अपने दुखों हानियों और अपने कष्टों को वह बिल्कुल भी झेलना नहीं चाहता। बाबा ने अभय दान दिया। बाबा ने बोला कि अपने सारे भार को तुम मुझ पे डाल दो, मैं तुम्हारे भारों को उठाऊंगा और तुम्हारे भारों को ढोऊंगा। इस बात में भार का मतलब है अपनी शक्ति से अधिक भार। अपने भार मुझ पर डाल दो, अपने भार मुझ पर डाल दो। क्या सुंदर वाक्य बाबा ने पूरे हृदय से अपने भक्तों के लिए बोला कि मेरे बच्चों, तुम खुश रहो, स्वस्थ रहो और अपने जो भी कष्ट हैं उस सब का भार तुम मुझ पे डाल दो। कितना सुंदर बाबा ने बोला। बाबा पे श्रद्धा विश्वास रखने वाले भक्त की तरह परिवर्तित होने वाले, कर्म से छुटकारा मांगने वाले लोग देही में होते हैं, कहने वाले अज्ञान दीपक कैसे जलाते हैं। डिब्बे में थोड़ा सा तेल था, बाबा ने डिब्बे में पानी डाला, उस पानी को पीकर पवित्र बना दिया, उस पानी को दिए में उड़ेला और दीपों को जलाया। सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। सारे दीपक सारी रात दुगनी तेजी से प्रकाश से झिलमिलाते रहे। इस दिव्य लीला को देखने वाले सारे लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए कि यह तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये एक महान अवतार है। व्यापारी भी बाबा की इस लीला को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। सारे व्यापारियों ने बाबा को तेल देने से मना कर दिया। फिर बाबा ने पानी से दीपक जलाया। सारे व्यापारियों ने बोला कि मेरे पास तेल नहीं है। बाबा ने बोला कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम्हें तेल नहीं देना है तो मत दो, पर झूठ मत बोलो। सारे व्यापारियों ने बाबा से माफ़ी मांगी। बाबा ने उनको यह उपदेश दिया। बाबा ने बोला झूठ मत बोलो, अगर तुम्हें नहीं देना है मत दो, कोई बात नहीं, पर झूठ मत बोलो। सारे व्यापारियों ने बाबा से माफ़ी मांगी, बाबा के शरणागत हो गए। सत्य के प्रकाश में शिरडी वासियों को बाबा ने दिव्य गुणों के दर्शन देकर सबको क्षमा कर अपनी शरण में ले लिया। यह है बाबा के दीप की महिमा। आशा करती हूँ आपको यह बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि साईं पूजा चैनल पर बनाए रखें, प्यार बनाए रखें। ओम साई राम, जय साई राम। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साईं पूजा चैनल को बहुत ढेर सारा प्यार दें। ओम साई राम, जय साई राम। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।